नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है और अधिसूचना जारी होने के बाद 24 सितंबर से पंचायत चुनाव होंगे। प्रथम चरण का जो है चुनाव, हालांकि वैशाली जिले की बात करते हैं तो यहां पे 29 सितंबर से चुनाव होने हैं। इस वक्त हाजीपुर ब्लॉक के दौलतपुर देवरिया पंचायत में हमारी टीम आ गई है। अभी जो शख्स हमारे साथ हैं, यहाँ से पिछले बार भी प्रत्याशी थे, उसके पहले भी प्रत्याशी थे, लगातार जो है ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हर बार सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल 2021 के पंचायत चुनाव में रहेगा। इस बार वोटर का कुछ अलग सोच है, कुछ अलग बदलाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि पंचायत में विकास हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी है उनका ये दावा है कि पंचायत में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस संदर्भ में अभी जगत प्रसाद यादव जी सीधे हमसे एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं नेशन टीवी पे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका पंचायत चुनाव में क्या वेरा पार लगेगा। स्वागत है नेशन टीवी पे सर आपका। स्वागत। आप तो हर बार चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार लड़ चुके हैं, कितना बार लड़े? चार बार लड़ चुके, पाँचवा बार है जी। मतलब हर बार आप सेकेंड पे ही आके अटक जा रहे हैं, क्या वजह है? वो उनकी पॉलिसी है, वो लूट के कमा के और उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, उससे वोट का विभाजित हो जाता है। इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे मतलब क्षेत्र का आप जब चुनाव आता है तो उस वक्त तक भी आप दौरा नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वोट जो है डिवाइड हो जाता है पंचायत में। हम दौरा 5 साल तक करते रहते हैं, 5 साल पंचायती करना और लोगों की जिस ढंग की सेवा हो वैसा करना, हम 5-6 साल लगे रहते हैं। लोग उतना मुखिया नहीं, वर्तमान मुखिया नहीं लगता है जितना हम लोग लगे हुए रहते हैं। और नया की तो बातें हटाइए कि नया से पूछे कि हाँ पाँचों पंचायती भी किया हो। मतलब जो भी काम आप पंचायत में चुनाव हारने के बाद भी लोगों का करते रहते हैं, तो इस बार 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से दौलतपुर देवरिया के जनता से क्या उम्मीद है? इस बार आपका जो है वेरा पार लगेगा चुनाव, इस बार आप जीतेंगे? हाँ, हम जीतेंगे। दौलतपुर देवरिया पंचायत से जनता से अपील है कि हम सेकंड होते हैं, बार बार आपके साथ सेवा में हम साथ रहते हैं और पंचायत करते हैं, 5-6 साल आप जहाँ बुलाते हैं तहाँ जाते हैं। आप लोग से अपील है कि हम एक बार बदल के देखिए, विकास आपकी उससे 2 गुना अधिक होता है कि नहीं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसको भी बदलिए जी, उसको भी बदलिए। इस बार आपका सीट जो है, जो इस बार तो जनरल सीट है, अगले बार से सुनने में आ रहा है कि रिजर्व हो जाए, वो तो सरकार की बात है, उस चीज़ को हम अब कैसे कहें। मतलब सीट तो इसी बार तक जनरल? हाँ, अभी मतलब सुन रहे हैं तो इसी बार तक है। मतलब इसी बार आर पार की लड़ाई भी है? हाँ, इसी पार जनता अवगत, जनता पूरे बदलाव के फेरा में है, वह बदलेगी और उसमें हम जीतेंगे। पंचायत की विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे पंचायत सरकार भवन भी मेन रोड पे बना हुआ है, अच्छा देखने में लगता है, हालांकि वो सुनने में आ रहा है कि एक्टिव नहीं। दूसरी बात कि पंचायत में जनता की क्या समस्या है, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की क्या कुछ पीड़ा है? समस्या अनेक तरह है, समस्या अनेक तरह है। आप देखिएगा तो एकदम बीपीएल से नीचे स्तर के लोग बीपीएल में छूटे हुए हैं, जो एक देवनन्नी राय 4 नंबर वार्ड में पढ़ते हैं, वो मर गए, पति पत्नी उनकी बेटा को तिरपाल छा के रहते हैं, लेकिन इंदिरा आवास का उसको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। 3 तल्ला 4 तल्ले वाले को बीपीएल है, अनाज मिल रहा है, लेकिन गरीब गुरबा को मैंने कोई सेवा नहीं है जी। ना बीपीएल का सेवा है, ना अन्न की सेवा है, ना तेल का सेवा है, ना कोई विकास का सेवा है। राउंडिंग डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो पंचायत में क्या समस्या है? वो तो एक राउंडिंग में भी आप देखिएगा तो चारों तरफ समस्या ही समस्या है। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले? हम पारदर्शी काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से सभी वार्ड में बैठा के वार्ड सदस्य की जो
भूमिका होता है और मुखिया का भूमिका होता है वो जनता से अवगत, जनता को अवगत करा के ही काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जगत प्रसाद यादव जी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी पर जुड़ गए थे। इनका कहना है कि पंचायत में विकास कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये अगर चुनाव जीतते हैं तो पंचायत का विकास जो है करेंगे। और चूंकि इस बार तक ही ये पंचायत जनरल सीट में रहेगा, अगले बार से हो सकता है कि ये पंचायत रिजर्व हो जाए। इस बार यहाँ पे कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हालांकि इस पंचायत में ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है, ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ नहीं है, लेकिन हर बार ये सेकेंड पे आते हैं। लेकिन जनता का क्या कुछ रुझान रहेगा चुनाव के बाद पता लगेगा। नेशन टीवी के लिए हाजीपुर से मैं प्रेम।